दोस्तों, जंगल का एक ही कानून होता है, यहाँ अगर जीना है तो प्रतिदिन शिकार करना पड़ता है। और शिकार करने के चक्कर में जानवर कभी कभी गलत जानवरों से पंगा ले लेते हैं, जिनका पछतावा उन्हें तुरंत ही हो जाता है। दोस्तों, फैक्ट 7 ने आपके लिए एक नई सीरीज की शुरुआत की है, जिसका नाम है एनिमल फाइट, और उसका यह पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले फैक्ट 7 हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट के हमें जरूर बताएं। नंबर 1, डॉग वर्सेस कैट। दोस्तों, कुत्ते और बिल्ली की दुश्मनी तो सदियों पुरानी की है, ये आपस में हमेशा लड़ते भिड़ते रहते हैं। दोस्तों, इस क्लिप में आप देख रहे हैं एक कार में बैठी बिल्ली, जिसको कुत्ता काफी परेशान कर रहा है, और बिल्ली बार बार गुस्से में हमला भी कर रही है, लेकिन कुत्ता फिर भी परेशान किए जा रहा है। दोस्तों, कुत्ते काफी खतरनाक होते हैं और यह बिल्लियों को एक ही झटके में मार सकते हैं, लेकिन आज यह छोटी सी बिल्ली काफी गुस्से में लग रही है, जिसको देखकर कुत्ते को समझ आ गया है कि आज उसने गलत बिल्ली से पंगा ले लिया है। नंबर 2, हिप्पो वर्सेस राइनो। दोस्तों, हिप्पोपोटमस पानी में रहना पसंद करता है, लेकिन कभी कभी इन्हें चुल मच जाती है और यह धरती पर आकर जानवरों को परेशान करने लगते हैं, लेकिन आज इस हिप्पो ने गलत जानवर से पंगा ले लिया है। दोस्तों, एक हिप्पो को आप देख रहे हैं जो गैंडे को काफी परेशान कर रहा है। दोस्तों, गैंडे वैसे तो काफी शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब इन्हें कोई बार बार परेशान करता है तो यह हमला करने में बिल्कुल भी नहीं शर्माते। दोस्तों, इस क्लिप में आप देख रहे हैं एक हिप्पो बार बार राइनो को उकसा रहा है। दोस्तों, गैंडे वैसे तो हमला करने में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन आज इस हिप्पो ने हद ही पार कर दी है। दोस्तों, गैंडा बार बार अपनी सींग दिखाकर हिप्पो को पीछे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिप्पो को समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, अब आप देख रहे हैं हिप्पो भाग रहा है, और हिप्पो को समझ में आ गया कि आज उसने गलत जानवर से पंगा ले लिया है। नंबर 3, रम वर्सेस पंचिंग बैग। दोस्तों, रम काफी गुस्सैल स्वभाव के जानवर होते हैं और यह हमला करने के लिए बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। दोस्तों, आज इस रम को एक पंचिंग बैग नजर आ गया है और यह बैग पर काफी हमले किए जा रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये बार बार पंचिंग बैग पे हमला कर रहा है, लेकिन बैग वापस आकर इसके शरीर पे लगता है, जिससे इसको और गुस्सा आता है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद इसको समझ आ जाता है कि इसने गलत दुश्मन से पंगा ले लिया है, लेकिन यह फिर भी हार नहीं मानता है और बार बार उस पंचिंग बैग पर हमला करता है। इतने हमले के बाद पंचिंग बैग कुछ देर में टूट जाता है। इसको टूटा हुआ देखकर रम काफी संतुष्ट होता है, और संतुष्ट होने के बाद लगता है कि इसने जंग जीत ली है। दोस्तों, क्या कहेंगे आप इस जानवर को, क्या ये इसकी नादानी है या बेवकूफी है। नंबर 4, लायन वर्सेस राइनो। दोस्तों, शेर कितने खतरनाक होते हैं यह तो आप सब जानते हैं, लेकिन गैंडे भी कुछ कम खतरनाक नहीं होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दो शेर जंगल में शिकार करने के बाद आराम फरमा रहे हैं, और गैंडे इनके पीछे से आ रहे हैं, जिन्हें शेरों का इस प्रकार से सोना पसंद नहीं आया, और ऐसा लग रहा है कि जैसे गैंडे कह रहे हों कि हट जाओ, यहाँ से हम आ रहे हैं। दोस्तों, शेर गैंडे को अचानक से देखकर काफी चौंक जाता है, लेकिन गैंडे को लगता है कि शेर आक्रमण करने के मूड में आ गया है। दोस्तों, ऐसा देख के राइनो तुरंत हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसको देखकर शेर डर जाते हैं और शेर दुम दबाकर भागने लगते हैं। दोस्तों, आमतौर पर शेर लड़ाई करने में पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन आज राइनो इन पर भारी लग रहा है। दोस्तों, शेर ऐसे भाग रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये भीगी बिल्ली हो। नंबर 5, हिप्पो वर्सेस हाथी। दोस्तों, हाथी और हिप्पोपोटमस का आमना सामना बहुत ही कम बार होता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हाथी पानी पीने के लिए नदी में जाता है और वहाँ पर हिप्पो भी होते हैं। दोस्तों, इस क्लिप में आप देखिए यह हाथी आज पानी पीने के लिए नदी में आया है, लेकिन एक हिप्पो को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वह बार बार हाथी की पूंछ को काटे जा रहा है। दोस्तों, हाथी कुछ देर तक इस बात को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन हिप्पो बार बार उसकी पूंछ को काट रहा है, जिसके बाद हाथी को गुस्सा आ जाता है और हाथी ने घुमाकर एक पैर हिप्पो के मुंह पे मार देता है, जिसके बाद हिप्पो पानी में दूर जाकर गिरता है, और हिप्पो को समझ आ जाता है कि हाथी है, हाथी से भिड़ना हर किसी के बस की बात नहीं।
दोस्तों वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही एक नए सीरीज के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।